बोलो 45 मिनट हैं और अंतर्यामी का मतलब क्या? अंतर्यामी का मतलब अंदर की बात को जान ले, बिना बोले, बिना कोई एक्ट के। बाबा मुरली में बोलते हैं कि मैं तो अंतर्यामी हूँ। बाबा माने साकार और निराकार का मेल। निराकार माने सुप्रीम सोल, ज्योति बिंदु, जिसमें प्रवेश करता है वो है साकार। और सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु क्या है? निराकार। तो जो साकार है वो अंतर्यामी नहीं है, जो बोल रहा है। बोलने वाला कौन है? आत्मा है, शरीरधारी के द्वारा बोलता है ना। तो जब बाबा कहते हैं तो साकार निराकार का मेल बोलता है कि मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, परंतु जो सदैव निराकार है, निराकारी स्टेज वाला है, सदाशिव है, वो तो जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं है, इसलिए वो सदा ही अंतर्यामी है। इसलिए बोला ये है बाहरयामी और मैं हूँ अंतर्यामी। बोलने वाला कौन है? केवल सुप्रीम सोल। साकार है बाहरयामी, बाहर की एक्ट से जानेगा, पोता में लिख करके देंगे तब जानेगा। पोता मेल किसको दिया जाता है? दिया तो साकार को जाता है, क्योंकि साकार तन मीडिया है, लेकिन वास्तव में हम किसको देते हैं? हमारे पोता मेल का निराकरण करने वाला निराकार है या साकार है? हैं? साकार ने खुद भी पोता मेल दिया होगा या नहीं दिया होगा? वो भी अपना पोता मेल देने वाला है, तो वो कैसे निराकार निराकरण करेगा? तो पोता मेल लेने वाला तो सबका शिव बाबा ही है, लेकिन साकार कैसे पता चले? तो साकार को जानने के लिए विधि रखी गई है कि अपना पोता मेल लिख करके देना है, ताकि इसको भी पता चले। क्योंकि पहले पहले बाप समान किसको बनना है? साकार को बनना है, मुकर्रर रथ को बनना है। तो मुकर्रर रथ को मालूम पड़े कि कौन किस स्टेज का है, तो अंतर्यामी है ऊपर वाला और बहिर्यामी है नीचे वाला। और मुसलमान आदि में कराची में ज्ञान की जो भंडार थे उसमें उसको लोहे के डब्बे में गाड़ के रख दिया। मुसलमानों ने गाड़ के रख दिया? मैडम मुसलमान धर्म वाले जो है वो, हाँ जी हाँ जी, उनका धंधा है 63 जन्मों का। जो 63 जन्म धंधा करते रहे होंगे वो धंधा संगम युग में नहीं करेंगे, शूटिंग पीरियड में है, यहाँ भी वही धंधा करेंगे। जमीन में गाड़ के रख दिया। हाँ जी, ये बात के लिए ये किस आधार पर हम जान सकते हैं गाड़ के रख दिया? मतलब मूल्य का आधार क्या है? जब वहां से पाकिस्तान से चलना हुआ है तो उस समय बाप की जो वाणी है उस वाणी को छुपाने वाले कौन होंगे? सदैव के लिए दफन करने वाले कौन होंगे? और उस वाणी की कदर करने वाले कौन होंगे? कदर करने वाले तो सूर्यवंशी चंद्र होंगे। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी होंगे वो उसकी कदर करेंगे, और जो छुपाने वाले होंगे, दफन करने वाले होंगे, वो तो जरूर मुसलमान ही होंगे। तो उनमें जो संस्कार हैं कि यज्ञ के आदि में जब झगड़ा हुआ किसके किसके बीच में? माँ और बाप के बीच में, तो पियू की वाणी को दफना दिया गया।
और माँ को विशेष मान दिया गया। उस समय एक माता नहीं थी, तीन तीन माताएं थी। यहाँ जो हिस्ट्री में संस्कार चला है उसके आधार से हम समझते हैं। हिस्ट्री मस्ट रिपीट। रिहर्सल माना क्या, शूटिंग माना क्या? शूटिंग में वही तो शूटिंग होगा जो ड्रामा चलना होगा। और इसके अलावा जो पुरानी दीदी दादियां हैं उन्होंने भी तो बोला है। छोटी माँ, बड़ी माँ और ब्रह्म। टाइटल डारी है, माताएं मौजूद है तो टाइटल क्यों मिलेगा? है सन 47 में जब ब्रह्मा के द्वारा वाणी चल पड़ी तो वो ब्रह्मा साबित हुआ। बच्चा बाद में होगा या पहले होगा? बाद में होगा। तीन माता नहीं होते हैं, तीन माता नहीं होते आदि में, वो माता एक पुरुषतम में था। बताए ना, टाइटल धारी माँ बाप का टाइटल कौन धारण करता है? बच्चा धारण करता है। जैसे है भले तन पुरुषतन है, लेकिन जो ड्रामाबाजी करने वाले होते हैं वो ये देखा जाता है कि ये पुरुषतन है कि स्त्री चोला है। ड्रामाबाजी करने वालों के लिए ये थोड़ी देखा जाता है कि ये स्त्री चोला है कि पुरुष चोला है। को तो आत्मा पार्ट में जाती है। मुरली भी देखना है कि रिवाइज कोर्स की मुरली है या पुरानी ओरिजिनल मुरली है। रिवाइज वाली है। तो जिनको उस स्टाक की जरूरत है उनको दे दो। हाँ बाबा, जब सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचेगा तो सारे प्रूफ चारों तरफ से इकट्ठे किए जाएंगे ना। वो चाहे बाबा के मुख से बोली हुई टैप हो, अगर वो नहीं मिलती है तो बाबा के समय की लिखी हुई मुरलियां हो जो पहले शॉर्ट हैंड की जाती थी, बाद में उनकी लिथो कॉपी निकलती थी, वो भी प्रूफ है। अगर वो भी नहीं मिलती है तो जो वर्तमान में रिवाइज कोर्स की माउंट आबू से मुरलियां छापी जा रही है वो भी तो प्रूफ है। तो जो ऐसी ऐसी रिसर्च करने वाले हैं जिनको जरूरत है उसे स्टॉक में पहुंचा दो है? नहीं तो हाँ टीचर से पढ़ेंगे। वो तो उनकी बुद्धि में है कि थर्ड क्लास माल हम क्यों पढ़े। टीचर्स तो सबके सामने सैंपल है ना, है तो जो रिसर्च करेंगे तो रिसर्च का मकसद होगा ना कोई। रिसर्च का मकसद क्या होगा है? और
बाबा राम को एक पत्नी मिलने वाला पति थे, लेकिन सेवक राम को दो पत्नी सेवक राम को दो पत्नियाँ दो पत्नियां थी। आपको कैसे मालूम? आपको साक्षात्कार हुआ या सपना आया है? सोच सोच के पूछी, माना कुछ संशय है? हम तो यही बोलेंगे कि प्रूफ हो तो बात कहनी चाहिए, प्रूफ नहीं है तो बात क्यों बोलना है। कोर्स में क्या बोलते? सेवक्राम को दो पत्नियां थी, दो माताएं थी, ये तो नहीं कहा कि सेवक्राम को दो पत्नियां थी। दो माताएं यज्ञ में निमित्त थी, हर एक ज्ञान सुनने सुनाने के लिए निमित्त थी और एक प्रैक्टिकल जीवन का आचरण करने के लिए निमित्त थी। आदि में भी ऐसे ही थी और अंत में भी ऐसे ही होती है। किसको? ये तो कोई प्रूफ मिले तब कहा जाए ना। प्रूफ इतना मिलता है कि बंगाल में पहले एक स्त्री जिनको होती थी वो भी दूसरी स्त्री तीसरी स्त्री रख लेते थे, उनको मकान बना के अलग दे देते थे। इतना मुरली में प्रूफ मिला है, लेकिन खास सेवक्राम के लिए ही ऐसा था। ऐसा कोई ना, ऐसा तो कुछ लिखा हुआ आया नहीं। और ब्रह्मा जी जितना भी पुत्र है वो पुत्रों में निराकार स्टेट पता नहीं चलता है। हाँ जी, ये तो माता का पार्ट है। माता साकार होती है और बाप निराकार होता है। और बाकी जितना धर्म पिता है उनका चित्र से निराकार स्टेज पता चलता है, निराकारी स्टेज दिखाई पड़ती है क्योंकि डायरेक्ट परम धाम से आते हैं। चित्र में कैसा समझना है ये निराकार, आंखों से देखो ऐसा बोलते हैं बाबा, कैसा पता चलता है चित्र में निराकार स्टेज है साकार स्टेज? क्राइस्ट का चेहरा देखने से, महात्मा बुद्ध का चेहरा देखने से, गुरु नानक का चेहरा देखने से निराकारी स्टेज दिखाई नहीं पड़ती है, चेहरे में दिखाई पड़ती है। किस बात में अंदर होता है? अरे सबसे मुख्य जो चेहरे के अंदर सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाला, वाइब्रेशन बनाने वाला कौन सा अंग होता है? आंखों से ही पता चलेगा। ऐसे तो सारे चेहरे से पता चलता है, आब आ जाती है रूहानियत की। और चंद्रवंशी जो ठेठ होंगे सूर्यवंशी में कन्वर्ट नहीं होंगे उनको भी वापस जाना पड़ेगा। हैं? जब वापस चले गए परमधाम में तो जो बचे होंगे वो ही जन्म देंगे सूर्यवंशी, जो सूर्यवंशी होंगे वो चंद्रवंशियों को जन्म देंगे, जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों होंगे पति पत्नी के रूप में वो फिर इस्लाम वंशियों को जन्म देंगे। कोई बहेल गाँव में होती है वो अंदर नहीं रहना चाहती है तो उनकी रक्षा कौन करेगा? भैंस नहीं, बहेल गईयां जो जंगल में ही रहती है। जैसे दो तुलसी होती है, एक तुलसी अंदर होती है घर में और एक तुलसी होती है जंगल में रहती है, अगर उसको घर में लाके रख दो तो पनते भी नहीं, सूख जाएगी। दान भी गौओं को ही देते, किसी को दान देना है तो गौओं को ही देते।
विदेशियों को भारत में आने नहीं देते? देवालय जो पुराने पुराने हैं, उन पुराने पुराने देवालयों में विदेशियों को प्रवेश करना इसलिए वर्जित है कि उन्होंने अपना स्वीकार किया है विदेशी धर्म, विदेशी नागरिकता। तो जब तुम हो ही दूसरे धर्म के, तो यहाँ प्रवेश करने से भी क्या फायदा होगा? वेद में भी ऐसे ही बात है, जो विदेशी होते हैं वो विदेशी को फॉलो करने लग पड़ते हैं, स्वदेशी बाप की बात नहीं मानेंगे तो विदेशी बन जाएंगे। वो स्वदेश में रहेंगे या दूसरे धर्मखंड में रहेंगे? दूसरे धर्मखंड में जाके रहते हैं, क्योंकि जन्म जन्मांतर के उनके संस्कार ही ऐसे। जो जन्म जन्मांतर के जैसे संस्कार वाला होगा वो वहीं चला जाएगा। मान लो पूर्व जन्म की कोई वैश्य है और उसको उठा करके ज्ञान दे दो, सरेंडर भी कर दो, लेकिन अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार फिर चली जाएगी। जैनी धर्म जो है वो अलग धर्म नहीं है। जैन का मतलब ही है जिन, अर्थात जिसने इंद्रियों को जीत लिया, आदिदेव, उनके फॉलोअर, उनकी औलाद। इसलिए झाड़ के चित्र में अलग से जैन धर्म नहीं दिखाया गया है। जब कृष्ण का जन्म होता है और जो है बिजली बजाता है, ज्ञान का अर्थ क्या है बता? बिजली चमकती है तो सदा काल के लिए रोशनी होती है या अल्प काल के लिए? बोल बोल जल्दी बोल, है सदा काल के लिए। जब बिजली चमकती है बादल में रात में, तो हमेशा के लिए रोशनी हो जाती है या थोड़े समय के लिए रोशनी हो जाती है? थोड़े समय के लिए चारों तरफ रोशनी रोशनी हो जाती है, बाद में अंधेरा हो जाता है। तो ऐसे ही कृष्ण का जन्म जब हुआ तो थोड़े समय के लिए चारों तरफ चकाचौंध हो गई, अरे ये क्या हो गया? फिर माया का प्रभाव। पूरी राजधानी स्थापन करने में 50 साल लगते हैं। पचास? नहीं नहीं नहीं, 50-60 लाख जो बताया है, लाख 50-60 लाख जो बताया है वो राजाओं महाराजाओं को जिनको टाइटल मिलता है, वो क्रिश्चियंस को 50-60 लाख देते थे तो उनको टाइटल मिल जाता था महाराजा का। यहाँ ये बात कनेक्ट नहीं है। जंगल में सबसे है ना, राम को ये इतना वनवास क्यों किया? जंगल में शबरी है ना, शबरी राम के लिए इतना वनवास क्यों किया? शबरी ने किया क्या? शबरी ने थोड़ा ही वनवास किया राम का। शबरी तो अपने पूर्व जन्म के हिसाब किताब के अनुसार आखिरी जन्म में जाकर के जंगल में रहने वाली भीलनी बनी, शूद्राणी बन गई, लेकिन उसने थोड़े ही बनवास दिया। है राम के लिए पूजा करते हैं।
राम के लिए इंतजार करती रही, क्योंकि राम आएंगे तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। जो भी भीलनिया होती हैं वो यहाँ की बातें हैं ना, कांटों के जंगल में रहती हैं, सब उनको दुख देते हैं। वो इंतजार करती है कि भगवान आए तो हमारा भी उद्धार हो जाए। हाँ, भीलनी चाहती थी ना कि झूठे बेर खाए तो हमारे भी बेर खा ले तो हमारा भी उद्धार हो जाए। और बाबा, गणेश जी को पेट से सांप बांधा हो ना, इसका मतलब क्या? गणेश जी को पेट के लिए सांप बांधा हो कहते ना, पेट के लिए बांधा हुआ, पेट के ऊपर, हाँ, उनके बुद्ध रूपी पेट में वो सांप अपना काम करता रहता है। हाँ, पेट के बाहर ही बांधा जाएगा, तो बाहर बांधा जाएगा कि अंदर बांधा जाएगा? बाहर बांध, उनकी बुद्ध रूपी पेट जो है सांप से बंधा हुआ रहता है। गणेश जानवर है या मनुष्य है? जानवर है। जानवर की बुद्धि तो कोई डिटेक्ट थोड़ी ही होती है। पुरुषार्थ करने पर भी डिटेक्ट नहीं होती। जितने भी जानवर अवतार हैं वो सब दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं। बाबा, एडवांस में जो भी आते हैं आदि में, तो मैंने एक में सर्टिफिकेट में तुम्हें बताया, सर्टिफिकेट से लास्ट तक भी वो एक में रहेगा? जो आदि में आएंगे वो अंत में नहीं रहेंगे? अंत में नहीं, आदि में। हाँ, जो आदि में आए होंगे वो अंत में रहेंगे ना, नियम बना दिया है। जो आदि में तो अंत में। बात ये है, ये 36 से 54 तक 18 साल होता है। 36 से 54 तक 18 साल होता है। हाँ हाँ, माना फिर 18 साल की बात से जो आदि वालों का क्या कनेक्शन? पर्सनल बात पूछ ले, सबका माथा क्यों खराब करेंगे? जनरल को भी लागू है, समझ रहे हैं इसलिए। हाँ, ये शरीर का जन्म तो 54 में हुआ। हाँ, जन्म हुआ, शरीर का जन्म हुआ, आत्मा को थोड़ा ही परिचय मिला। नहीं, तो 36 से 54 तक 18 साल हो गया। हाँ, बाद में वैदिक ज्ञान में तो 70 में आया। हाँ, फिर 88 तक, मना फिर 18 साल वैदिक में चला। हाँ, फिर अभी फिर 88-89 से अब तक फिर 18 साल हो गया। हाँ, अभी फिर कुलांकलम मारनी है क्या? हाँ, वो बैल होता है ना, बैल, वो कहते हैं कि बैल जो है पृथ्वी को अपने सिंह पर साधता है, जब थक जाता है मारता है, दूसरे सिंह पे ले लेता है। तो हर 18 साल के बाद कुलाच मारना है क्या? आगे के लिए क्या है? बेसिक से एडवांस में, एडवांस से फिर इन एडवांस जाना। एक विष्णु पार्टी निकली है, वो कहते हैं हम इन एडवांस ज्ञान देते हैं। इन एडवांस कोई शब्द ही नहीं होता है बाबा की वाणी में। जो बाबा की भाषा नहीं वो हम बच्चों की भी भाषा नहीं। देखो भाई, ये शुरू में 36 से 54 तक 18 साल भी पूरा ज्ञान में रह सकता है या नहीं रह सकता? रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है।
जो 18 साल लगातार ज्ञान में रहेगा तो 18 साल का फाउंडेशन कितना पक्का होगा बेसिक का। जो जो पुराने पुराने हैं बेसिक नॉलेज लेने वाले बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग लोग, उनको एडवांस वाले जब एडवांस ज्ञान जा करके देते हैं तो वो अपने नशे से सुनते हैं या प्रभावित हो जाते हैं? वो अपने नशे में रहते हैं। ऐ तुम कल के बच्चे, तुम क्या जानो? जो किसी माला का डांड बनने वाला है उसका बैंगलोर में रहते हैं, जो रानी बनने वाले हैं वो महलों में रहते हैं। उन लोगों को महल में रहते हैं और बंधन में रहते हो तो सुखी हैं या दुखी हैं? उनको आप जो बात पूछी जा रही है उसका जवाब दो। जो महलों में रहते हैं लेकिन अंदर से उन्हें ये पता है कि हम बंधन में हैं, ये बंधन तोड़ना बहुत मुश्किल है, तो वो सुखी हैं या दुखी हैं? हैं? तो बताओ तो पहले। दुखी है ना, तो महलों से सुख नहीं होता है, साधनों से सुख नहीं होता है, सुख जो है वो मन से होता है। मन जो है वो चाहे तो सुखी हो जाए, दुखों में रहते हुए भी सुखी हो सकता है। ज्ञान की ऐसी पराकाष्ठा हो, कोई कितना भी दुखी हो फिर भी, भगत सिंह को जब फांसी लगी तो वो सुखी, सुख में उन्होंने शरीर छोड़ा या दुख में शरीर छोड़ा? है दुख में शरीर छोड़ा है, हंसता रहा चेहरा है। हाँ, तो मन के हारे हार और मन के जीते जीत, ये दैहिक सुख जो है वो सुख नहीं होते हैं। दैहिक सुख देना रावण सिखाता है। और शिव बाबा आत्मिक सुख लेना और देना सिखाता है, रूहानी सुख लेना और रूहानी सुख देना, वो ही असली सुख है। कहाँ जाना पड़ता है? युद्ध में। हाँ, राजाओं को युद्ध में जाना पड़ता है। नहीं, वो इस बात में सुखी रहते हैं कि विधर्मियों से युद्ध करने के लिए गया उनका युगल, लेकिन वो भी उनके साथी हैं मनसा से, मनसा का वाइब्रेशन पूरा देते हैं, इसलिए उनको सुख रहता है। ये मनसा सेवा की कमाल है, इसलिए सुख नहीं रहते हैं कि पति खून खराबा करने गया है तो हम लड्डू पेड़ा खाते रहें। और हाँ, भगवान आता है अच्छे काम करने के लिए आता है या बुरे काम करने के लिए आता है? भगवान अच्छे काम करने के लिए आता है, और दुनिया क्या समझती है? ये तो बहुत बुरा काम कर रहा है। जैसे कोई गधे को नमक दिया जाए तो इसको भूख लगने लगे, गधा ये समझता हमारी आंखें फोड़ रहा है। ऐसे ही है, भगवान आता है कल्याण करने के लिए, जो अज्ञानी आत्माएं होती है वो भगवान को भी अपने समान समझ लेती है। वो समझती है ये सब हमारी स्त्रियों को लेकर के मौज उड़ा रहा है। ऐसे होता है क्या? लौकिक दुनिया में भी ऐसे हो सकता है क्या?
एक आदमी को दो चार पत्नियां होती हैं तो गाल चुपट्टियां हो जाते हैं। 16,000 को कैसे साथ रखेगा, क्योंकि उनकी बुद्धि में नहीं आता तो गुलानी करते हैं, कलंक लगाते हैं। भगवान उन आराम से उन कलंकों को धारण कर लेता है, कोई अपोजिशन नहीं करता। तो कलंकी धर अवतार गाया जाता है। भिखारी पढ़ते हैं, सबको नंबर वार है बोलते हैं। भिखारी हाँ, बेगर टू प्रिंस जो है, बेगर टू प्रिंस हाँ, जैसे बाबा तो भिखारी पाठ चला, ऐसा नंबर वार सबको भिखारी पाठ है ये बोलते हैं ना। ज्ञान में, ज्ञान में आने से पहले या ज्ञान में आने के बाद? ज्ञान में आने के बाद। ये तो बहुत बढ़िया लक्ष्य लिया है, तो सुधर्मियों का लक्ष्य है क्या? भिखारी नहीं बोलते, बेगर बोलते हैं। भिखारी, भिखारी माने बेगर। हाँ, भगवान आता है तो बेगर के रूप में आता है, माना कोई रईस में नहीं आता भगवान बन करके, करोड़पति अरबपति में नहीं आता, किस में आता है? जो बेगर के रूप में है उसमें आता है। तन का भी बेगर, मन का भी बेगर, और धन का भी बेगर, और समाज से भी बेगर, और सरकार की ओर से भी बेगर। हर तरीके से जो बेगर है उस बेगर में आकर के भगवान उसको बेगर टू प्रिंस बनाता है। बेगर सबके अधीन होता है, सबका मुंह जोखता है, और जो प्रिंस बन जाता है उसको अपने बाप के सिवाय और किसी का मुंह जो ताकने की दरकार नहीं रहती। तो 5 साल का प्लान लेकर के बाप आता है, सुप्रीम सोल क्या प्लान लेके आता है? ऐसे बेगर को 5 साल के अंदर बेगर टू प्रिंस बना देता है। दुनिया उसके दर पर आकर के ले जाए, उसको किसी से लेने की दरकार नहीं है। दुनिया में बड़े बड़े मान मर्तव्य वाले ब्रह्मा कुमार कुमारी भले बेगर बने, मुख से भीख मांगे, इशारे से भीख मांगे, लेकिन उसको कोई से भीख मांगने की दरकार नहीं रहती। तो आपका प्रश्न क्या था? ये बेगर का पार्ट भी, जो भी अष्टदेव है या सवाट है सभी को नंबर वार है बोलते ना बाबा, ये किस लिए? जीवन के, जीवन में अनुभव के लिए चाहिए कि बेगर का पार्ट किस लिए? जो ईश्वरीय सेवा में अपना सारा तन अर्पण कर दे, ईश्वरीय सेवा में सारा धन अर्पण कर दे, ईश्वरीय सेवा में मन अर्पण कर दे, तो उसके पास क्या रह गया? कुछ रह गया क्या? तो बेगर कहा जाता है। जो जितना गुड़ डालेगा उतना मीठा होगा, गुड़ नहीं डालेगा मीठा नहीं होगा। तो जितना हम अर्पण में होते हैं उतना हमारी आत्मा ज्ञान दर्पण बन जाती है, बड़ी, बड़े से बड़ा बाप, बड़े से बड़े दर्पण में आकर के प्रत्यक्ष होता है। तो नंबर वार दर्पण बनते हैं, जितना अर्पण करते हैं उतने दर्पण बनते हैं। और सूत्राणी सूत्राणी कहा जाता है विकार भोगने वाली को। बाबा
करते हैं ना। सिर्फ गंगा जल लेके आते हैं लेकिन वो काशी में नहीं पकड़ते, त्रिवेणी संगम में पकड़ते हैं। त्रिवेणी संगम में ही पकड़ते हैं, पहले पहले काशी गंगा, काशी में तो पकड़ते हैं। क्योंकि जो त्रिवेणी है जहाँ, वो इलाहाबाद है, अल्लाहाबाद, अल्लाह का घर है, अल्लाह का नगर, अल्लाह का पुर, और अल्लाह के पुर में वो पार्ट होने के बाद फिर बाद में तीन नदियों का मिल होता है, उसको अल्लाहाबाद कहते हैं। वाराणसी में मेल नहीं होता है, अल्लाहाबाद में मेल होता है। पहले अल्लाहाबाद या पहले वाराणसी है? जब गंगा आती है पहले नहीं पता ही नहीं है। जब गंगा आती है ऋषिकेश से हरिद्वार में, या गंगोत्री से ऋषिकेश, ऋषिकेश से हरिद्वार में, तो हरिद्वार में मैदान में आकर के पहले पहले गंगा फर्रुखाबाद से उतरती हुई, कानपुर उतरती हुई, फिर इलाहाबाद पहुंचती है। इलाहाबाद में होता है त्रिवेणी संगम, तीन नदियों का संगम। तीन नदियों का संगम होने के बाद वो जो जल होता है, उस जल को वाराणसी में पहुंचने के बाद जब वरुणा नदी से मिलता है, तब वो तीखा रूप धारण कर लेता है। वरुणा असी, असी माने तलवार, जान तलवार का रूप धारण करती है गंगा। गंगा यमुना से मिलने के बाद तीखी नहीं होती, गंगा सरस्वती से मिलने के बाद तीखी नहीं होती, कब तीखी होती है? हैं? जब गंगा तीनों नदियों से मिलने के बाद आगे बढ़ती है और वरुणा नदी से मिलती है, तब वरुणा असी होती है, यानी ज्ञान की तीखी तलवार बन जाती है। वरुणा नदी ही तो काशी कही जाती है, जहाँ से वरुणा नदी मिलती है वहाँ से काशी शुरू होती है, उससे पहले काशी नगरी नाम नहीं है। और अरुणो माने सूर्य, और फिर दूसरा भाई कहा जाता है वरुण, अरुणा वरुणाऊ। वेदों में ऋचाएं दी हुई हैं अरुणा वरुण के नाम से। कोई ने पूछा है ताज और तख्त में फर्क क्या है? ताज होता है सर के ऊपर बांधा जाता है, और तख्त के ऊपर बैठा जाता है। तो तख्त है हमारा अकाल तख्त, आत्मिक स्टेज का तख्त, और ताज है जिम्मेवारी का, ईश्वरीय सेवा की जिम्मेवारी धारण की है, तो हमने जैसे ताज धारण कर लिया। जो जितना यहाँ ईश्वरी सेवा की जिम्मेवारी उठाता है, उतना बड़ा ताजधारी देवता या राजा बनता है। ब्रह्मा को हजार बुझाएं, पांच को पांच पांच योगी, तो माने एक एक बुझे को फिर पांच पांच को सहयोगी, पांच पांच सहयोगी और हो गए, माने पांच हजार, हाँ, दस हजार भी हो सकते हैं, एक हाथ थोड़े ही है, ब्रह्मा को एक ही हाथ होता है क्या? लेफ्ट हैंड भी होता है और राइट हैंड भी होता है,
तो लेफ्ट हैंड जो है वो 500 और राइट हैंड भी 500, तो 1000 हो गए ना, और 1000 में 5 का गुणा कर दिया तो 5000 हो गए। माने ब्रह्मा के हजारों सहयोगी और शंकर के सहयोगी नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते हैं? हैं? डराता है? किसको डराता है? शंकर को सिर्फ रुद्रगण दिखाते हैं, लेकिन सदाकाल के सहयोगी नहीं है। बाबा, बाबा के साथ टूर में जाने वाले का शूटिंग कहाँ होता है बाबा? जो टूर में जाते हैं वो बाबा के सहयोगी? अरे वापस है? वापस? हैं? वापस? वापस 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 कैसा होता है? जो सत्युग त्रेता में होता है वो द्वापर कलयुग में होता है। जो सत्युग में ऊंचा पद पाता है वो द्वापर में भी ऊंचा पद पाता है। जो त्रेता में ऊंचा पद पाता है वो कलयुग में भी ऊंचा पद पाता है। त्रेस 21 जन्म के आधार पर 63 जन्म का हिसाब बनता है। माना कैसा नजदीक संबंध रहते हैं? जो यहाँ जितना नजदीक रहेगा उतना वहाँ भी नजदीक रहेगा। कहाँ? वहाँ प्रैक्टिकल होता है, यहाँ शूटिंग होती है सिर्फ। यहाँ रिहर्सल होता है, वहाँ ब्रॉड ड्रामा होता है। यहाँ का ही वहाँ जाता है। जो आत्मा संगम युग में ज्ञान में आने के बाद जितने जितने लोगों के संसर्ग संपर्क में आवेगी, सतयुग के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक, वहाँ भी उतनी ही आत्माओं के संसर्ग संपर्क में आती रहेगी। जिस आत्मा का यहाँ कटु कड़ुआ अनुभव होगा जिसके साथ, तो वहाँ भी कड़ुआ अनुभव होगा। यहाँ जिसके साथ मीठे संबंध रहेंगे उसका वहाँ भी मीठे संबंध रहेंगे। जो आदि का 10 साल में ऐसे ही बताए गए उनका जो पाठ, ब्रह्मा का 3 साल, शंकर का 3 साल और विष्णु का 3 साल ऐसे उनका पाठ करा हुआ था आदि में। उस समय प्रत्यक्षता ही नहीं थी। शुरुआत तो ब्रह्मा से ही होती है। कोई जानता ही नहीं कि ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, शंकर कौन है। 10 साल के बाद फिर पता चलता है कि ये ब्रह्मा है। माने सहनशीलता का पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है? जैसे बच्चा पैदा होता है तो गर्भ में थोड़ा ही पता चलता है, गर्भ से बाहर आता है तो पता चलता है। हैं? 10 साल तक ये पता ही नहीं चला कि दुनिया की सबसे ज्यादा सहनशील आत्मा कौन है। बाबा शंकर का प्यारी नजदीक है। ये बात शास्त्रों में आई है, मुरली में नहीं आई है। क्या? शंकर की प्यारी नगरी काशी है, शास्त्रों में ये बात है, मुरली में बाबा ने नहीं बोला है। अगर एडवांस वाणी को मुरली माना जाए तो बोला है। हम मान रहे
है? हम मानते बाबा। हाँ, क्योंकि रुद्रमाला है ना, रुद्रमाला को रुद्रमाला के स्वभाव संस्कार वाले प्रिय होंगे या विजयमाला के अधीन बनने वाले स्वभाव संस्कार प्रिय होंगे? तो काशी नगरी अधीन बनने वाली नहीं है, रुद्रमाला का मणका है। बाप आता है तो स्वतंत्रता दिलाता है, सच्ची स्वतंत्रता। गांधी जी ने जो स्वतंत्रता दिलाई वो झूठी स्वतंत्रता हो गई। तो सच्ची स्वतंत्रता है किसी के अधीन न रहना, अपना कमाना अपना खाना, और जो बचे उसमें से दूसरों को दान देना। ये नहीं कि दूसरों से लें फिर हम दूसरों को दान दें, जैसे साधु सन्यासी करते हैं। उससे स्वर्ग नहीं बनेगा, क्योंकि जो भी लिया वो पाप की कमाई ली या पुण्य की कमाई ली? पाप की कमाई ली। बाबा शंकर को प्यारी नगरी काशी, तो वो प्यारी नगरी दूसरा नंबर बन गई है। जो शंकर को प्यारी नगर काशी है वो दूसरा नंबर बनी रुद्रमाला का नगर मणका। तीसरा प्यारी नगर कौन सी बाबा? जो तीसरा नंबर होगा अष्टदेव, वो प्यारी नगरी का नाम। जो तीसरा अष्टदेव नगरी होगा कि नगरा होगा क्या पता? पता है। अरे तो जानी जाने हार वाली बात हो गई, अंतर्यामी बात हो गई। जब पार्ट बजाए कोई प्रूफ मिले तभी तो साबित होगा है? मन के अंदर से हाथ डाल के बाहर निकाल लो। है चलो हो गया टाइम।
जो बेसिक में होता है वो एडवांस में भी होता है। बेसिक है जड़ें आधार मूर्त और एडवांस में बीज। ज्यादा पावरफुल कौन है? बीज ज्यादा पावरफुल है। चढ़ती कला में भी 52 गज के और उतरती कला में भी बहुत विशाल है। जो जो चरित्र ब्रह्मा कुमारी आश्रम में चल रहे हैं वो सारे चरित्र यहाँ भी चलेंगे। बाबा बोलते हैं 2018 में बाबा का पेंशन तय हो जाए और आधे और कृष्ण बच्चा जन्म ले लेंगे और उसके बाद नंबरवार बच्चे पेंशन तय बनते जाएंगे और 36 तक और नंबरवार बच्चा जन्म ले तो कैसे कंचन काया बनेंगे? कैसे कंचन काया बनेंगे? कंचन काया माने निरोगी काया, कोई रोग नहीं व्यापे। दवाई अवाई लेने की जरूरत पड़ती है ना अभी, पर दवाई लेने की जरूरत ना पड़े। माने आठ जो है छोटा परिवार होगा कृष्ण जहाँ जन्म लेगा या बड़ा परिवार होगा? छोटा परिवार होगा तो अष्टदेवों का परिवार होगा या 108 का होगा? अष्टदेवों का होगा। तो अष्टदेव बर्फ में दबते हैं क्या? हैं? उनको तो दबाने की जरूरत नहीं है। और नंबर वार की लिस्ट में जाएंगे। हाँ जी। और बाबा जो आठ जो है तो आठ ही है जिसका मेला मिलन मनाएंगे हैं? आठ ही मनाएंगे अंत तक। क्या मनाएंगे? सब माँ को प्रभाव में आ जाएगी प्रभाव में। आठ सूर्यवंशी है ना वो? जो पक्के सूर्यवंशी हैं वो सूर्य को फॉलो करेंगे या चंद्रमा को फॉलो करेंगे? सूर्य को फॉलो करेंगे। चंद्रवंशियों का बीज कौन है? ब्रह्मा है। ब्रह्मा तो चंद्रमा है, जगदम्बा है। जगदम्बा ब्रह्मा जो है वो रुद्रमाला का मणका नहीं है। जो बीज हैं वो रुद्रमाला के मणके हैं। तो रुद्रमाला के मणकों में चंद्रवंश का बीज कौन है? फिर सूर्यवंश का बीज कौन है? झंझट में पड़ गए। है? अरे 12-12 के 9 ग्रुप है ना माला में, तो 12-12 के जो 9 ग्रुप है वो 9 धर्मों से कनेक्टेड है ना, तो उनमें सूर्यवंश सबसे पहला है, उसके बाद है चंद्रवंश। तो सूर्यवंश का 12 का मुखिया कौन है? प्रजापिता। तो आप चंद्रवंश का भी प्रजापिता बता रहे? गलती हो गया। अच्छा तो आप सही पे आ जाओ। हाँ कौन हुआ? चंद्रवंश का मुखिया कौन है? हाँ जो चंद्रवंशी 12 मणके निकलेंगे उन 12 मणकों में मुखिया कौन है? हाँ जगदम्बा। तो जो जगदम्बा है वो ही पृथ्वी है, वो ही फैल पी जाती है। गंगा जमुना सरस्वती का क्या सरस्वती गुप्त है
गंगा जमुना है, गंगा जमुना का उसका रहस्य। हाँ जी, गंगा जमुना सरस्वती है। तो आपको पता नहीं है कि ओम राधे मम्मा बीच में आई थी, बीच में चली गई, नहीं मालूम है? हाँ मालूम है, तो वो ही है सरस्वती है, और गंगा वो है जो बेसिक में भी सबसे पहले थी और अंत में भी आई, फिर एडवांस में भी सबसे आदि में ज्ञान लेती है। जगदम्बा सबसे पहले ज्ञान नहीं लेती है, एडवांस ज्ञान कौन लेती है? हैं? गंगा। जगदम्बा तो बच्ची कहा जाता है, प्रजापिता ब्रह्मा की बच्ची है या बड़ी है? जगदम्बा को क्या कहते हैं? जगदम्बा है बाप की बच्ची, तो कम उम्र की थी, वो ज्ञान की गहराई को उतना नहीं समझ सकती थी, लेकिन गंगा तो बड़ी उम्र वाली थी और सबसे पहले ज्ञान का फाउंडेशन गहराई तक गंगा में डाला जाता है और वो होती है यूपी से। इसलिए अव्यक्त वाणी में बोला है गंगा कहाँ से निकली, इलाहाबाद से निकली या कानपुर से निकली, इशारा दे दिया। अब रही जमुना की बात, यमुना के लिए कहते हैं सूर्य पुत्री, ज्ञान सूर्य से सबसे पहले जन्म होता है, सबसे पहले जो सरेंडर हो करके रहती है, सरेंडर होना माने जन्म ले लेना, वो है यमुना, लेकिन लंबे समय तक निभाती नहीं है, इसलिए पानी बहुत गंदला हो जाता है, गंगा का भी गंदला होता है, लेकिन बहुत लंबे समय के बाद। और तीनों नदियां अभी मौजूद हैं, और सुदामा से बता दे हैं, सुदामा, सुदामा सु माने सुंदर और दाम माने धन संपत्ति, जिसके बुद्ध रूपी हाथ में सुंदर धन संपत्ति है उसका नाम है सुदामा। कृष्ण के हाथ में उतनी सुंदर धन संपत्ति नहीं है, वो बेसिक ज्ञान तक सीमित रहा, लेकिन उसका जो विशेष सखा दिखाया गया है उसके हाथ में सुंदर धन संपत्ति है, एडवांस प्रॉपर्टी। तो कौन सी आत्मा हुई है? नहीं, अरे सुंदर धन संपत्ति कौन सी बुद्धि रूपी हाथ में है? है कौन? राम वाली आत्मा। हाँ जी, तो हो गई सुदामा। और सुदामा गरीब परिवार से था या धनाढ्य परिवार से था? गरीब परिवार से सुदामा था। और हाँ द्वारका थी। हाँ जी, हाँ जी, समुद्र में दिखाया। हाँ, दो अरिका, एक अरिका नहीं, दो अरिका, कीड़े फाड़े दो कड्डारे।
कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। क्रिश्चियंस ने क्या किया हिंदुस्तान में आकर के, हैं? बंटवारा कर दिया हिंदुस्तान पाकिस्तान दो कटारे। तो क्रिश्चियंस ने जो कुछ भी सीखा, क्राइस्ट ने जो कुछ भी सीखा, वो संस्कार कहाँ से आए, हैं? क्राइस्ट ने जो कुछ भी अपने जीवन में सीखा, जो भी संस्कार धारण किए, वो संस्कार कहाँ से आए? कृष्ण से। कृष्ण ने भी यही किया, दो कर दिए हिस्से। बाबा ट्रांस में मुरली में पॉइंट आया, ट्रांस में जाने का है, मुरली में आया ट्रांस में जाना, हाँ उसका क्या मतलब है? ट्रांस जैसे सपन में जाते हैं, स्वप्न में सोते सोते जाते हैं और ट्रांस में जागृत अवस्था में ही चले जाते हैं। ट्रांस माने साक्षात्कार, साक्षात्कार शिव बाबा कराते हैं, साक्षात्कार की चाबी शिव बाबा के पास है, और कोई के पास साक्षात्कार की चाबी है ही नहीं। चलो हो गया।